ये दे देना, चल भाई इन देख मिल ली जुले। फोन कर दिया हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग कर रही हूँ शाम के 6 बजे से शुरू, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला, थोड़ी आज का तबीयत ढीली ढाली चल रही है, तो इसलिए। तो आज नेगी जी की पैकिंग हो रही है यहाँ पे, कल से ले जाएंगे ड्यूटी, आज लास्ट दिन। तो यहाँ पे आज तो उन्होंने अपनी पैकिंग खुद ही करी है, तो उनका कुछ सामान था जैसे डाटा केबल वगैरह वगैरह, बाद में या तो फिर मेरे ले जाते हैं या अपने छोड़ जाते हैं, तो सबको मैं एक सामने रख रही हूँ, फिर अपने हिसाब से अपने बैग में रख लेंगे, क्योंकि अगर मैं रखूँगी ना फिर उन्हें मिलेंगे नहीं, अपने आप खुद से रखेंगे ना तो सही रहता है, मिल जाता है रखा हुआ सामान मिल जाता है, तो इसलिए उनके फ़ोन का, घड़ी का और पता नहीं कहीं कहीं का चार्जर है सब यहाँ पर रख दिया है, बैग में रख देंगे फिर सुबह को। तो दोस्त अभी पैकिंग तो हो गई उनकी, कल जाएंगे सुबह मॉर्निंग में चल जाएंगे, तो अभी घूमने गए हैं गाँव के साइड, तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देखो पैकिंग हो गई है दोस्तों, अभी रात का टाइम है, आज जाने को मैं डॉक्टर के कोफ्ते, ये देखो ये झोला लगा गया घेरा पर ये देखो दादी मैं तम्बाकू खाती हुई, अभी इसमें काटूंगी प्याज और लहसुन छिलूंगी, उसके बाद बनाती हूँ। मैंने लौकी के कोफ्ते के लड्डू बना दिए हैं, हम इन्हें तलूंगी। तो मेरे का चाप बिछो पापा जी का खजाना उधर है ना, तेल सब चार्ज होने आते हैं, तुम्हें चार्ज खानी हो कल ना, मैं वो लोग मर के चाहिए वो बाय कर दे पापा। तू ये किरण से ही फोन कर दिया तो दोस्त अभी नहीं हुए, पापा चले गए हैं और रिखनी खाल से भी बैठ गए हैं गाड़ी में, यहाँ से स्कूटी में गए थे और वहाँ जाके गाड़ी में जाएंगे, रिखनी खाल से अब वहाँ बस में जाएंगे कोटद्वार। तो अनिक हुआ तो रो के बुरा हाल हो गया, उसने कहा पापा जी कहाँ जा रहे हैं, अभी पूछ रहे पापा कहाँ गए। तो मैं रोड तक छोटे गई थी नेगी जी को, और जैसे मैं रोड से घर आई तो अनिकू ने सीधे पूछा पापा पापा जी कहाँ। तो
डेढ़ महीने का पता ही नहीं चला कब निकल गया 1.5 महीना। और जब घर आने होते ना जितनी खुशी उस टाइम होती है उससे ज़्यादा बेकार तो जब ड्यूटी चले जाते हैं ना तब लगता है। एक दो दिन तो बिल्कुल ही बेकार लगेगा उनके बिना घर में भी। तो फिलहाल रानी को सो गई है और मैं घर पे ही हूँ। आज बारिश वाला मौसम भी बन रहा है, बारिश भी आ रही है आज बाहर। तो मैं बाहर दिखाती हूँ आपको आज मौसम कितना बेकार है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और अनिकू भी उठ गई है सो के। आज अनिकू सुबह ही सो गई है और दिन मतलब खाना खा के सोती दिन में। आज मुझे पता नहीं कि नींद आ गई सुबह थोड़ी, तो अभी उठ भी गई है अनिकू। हेलो बोल दे। हेलो राम राम पापा। पापा पापा टीटी चल गई। टीटी टीटी बोल पापा बाय। टीटी हाँ टिट्टी पूछ रही है पापा कहाँ गए। पापी अभी 2-4 दिन उसे भी बुरा ही लगेगा क्योंकि अपने पापा के साथ ही खेलती रहती थी। टीटी हाँ टिट्टी में जा रही पापा। टिट्टी गाड़ी में पहले देना नहीं थी चली। तो अनिकू अनिकू सुबह बहुत मुश्किल से चुप कराया था, रोने बहुत खतरनाक रोने लग गई थी उसके पापा गए ना, तो इसलिए कन खाती रोई रोई। पापा के देती आई हिंदी पापा के देती आई कान रोए तू कान रोए। दोस्त अभी करते दिन के खाने की तैयारी। आज बनाऊंगी मैं दिन के खाने में दाल लौकी और दाल। बोल पापा मिस यू। बोल तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मौसम आज सुबह से बारिश वाला हो रखा है। तो मैं घर पे ही हूँ और अभी मुझे अनिकू के कपड़े धोने हैं। सुबह से मैंने उसके कपड़े भी नहीं धोए क्योंकि मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने का ना, खाने का पीने का। आज कुछ भी ना काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो फिलहाल निकी जी का फ़ोन भी आया था, अभी पहुँच गए हैं हरिद्वार। तो जैसे उनका फ़ोन आया ना अनिकू का फिर से रो रो के बुरा हाल, कह रहे पापा को दोबारा कॉल करो, कह रहे वीडियो कॉल करो। उसने सोचा वीडियो कॉल आ रखी है तो फिर रात को करेंगे वीडियो कॉल। टाइम तो पता नहीं होगा, नहीं होगा उनके पास अभी क्योंकि अभी तो उनने फिर हरिद्वार से रात को अगर उनको टाइम मिलेगा तो उनके लिए वीडियो कॉल करेंगे फिर अनिकू की बात कराएंगे। नहीं तो अनिकू सुबह से पापा पापा कह के पूछ रही कि कहाँ है पापा। तो रात को करेंगे वीडियो कॉल। अभी मैं कपड़े धो लेती हूँ, अब बारिश देखते हैं आती कि नहीं आती। मौसम तो बन रखा है सुबह से ही। आ गया बरखा, देखो तो झमाझम बारिश। अनिकू नहीं आ जा, अनिकू बरखा आ गया है। हेलो बोल। हेलो राम राम। राम राम जय हिंद बोल। तो अब आ गया बरखा बहुत तेज। अफ्रीका ले ऊ बगाले 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 बगाले। अनिकू के बाबा अनिकू अभी खाएगी चॉकलेट जो कि उसके पापा लाए थे उसके लिए ना। अनिकू कुल आए थे बाबा पापा। अनिकू के पापा का वीडियो कॉल रात को खुद ही आ गया था। मैंने कहा था ना कि मैं वीडियो कॉल करूंगी लेकिन उनका वीडियो कॉल आ ही गया। वो ट्रेन में बैठे थे तो उन्होंने कहा मुझे अनिकू की बहुत याद आ रही है, अनिकू से बात करा। तो जैसे मैंने अनिकू के पास फ़ोन दिया ना तो उसके पापा ना शाम को इस टाइम को उसको झूला झुलाते थे खेलने से खेल के आने के बाद। तो उसने कहा सीधे पापा झूला झूले झूल। तो इस बार तो उसके पापा की सारी छुट्टियाँ बस उसी के साथ भी थी 1.5 महीने की, तो इसलिए उनको बहुत याद आ रही होगी उसकी। और वो तो बोल रही है पापा पापा इंस्टाग्राम पर मैंने उनकी वीडियो बनाई थी ना सिंगल सिंगल, तो कह रही है मुझे उन्हीं को बता जब तक उसकी पापा की वीडियो है ना तो उन्हीं को देख रही है बस। कह रही है पापा को बता फिर पापा को बता। और जैसे मेरी और अनिकू के पापा की दोनों के साथ में वाली वीडियो है ना तो उसे कह रही उसे मत चला, जो पापा की सिंगल वाली वीडियो है ना उसी को चला। तो ये वीडियो है उनके पास, उसको मैंने सेव करके रखा गैलरी में। तो जब भी बोल रही है पापा पापा तो वीडियो बता दे रही हूँ उसे।
तो यही होता है ना, दो चार दिन बोलेगी वो पापा पापा, फिर उसे पता लग जाएगा पापा ड्यूटी चले गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपको कल किसी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।